डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, संचालक सुपरमाइंड क्लासेज मुगराबाद शाहपुर। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। आइए इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। दरवाज़ा खोलो, खोलो का ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो ओपन द डोर। दरवाजा अवश्य खोलो, दरवाजा तो खोलो या दरवाजा जरूर खोलो। अवश्य तो या जरूर के लिए हम इम्परेटिव में केवल डू लगा देंगे। डू ओपन द डोर, दरवाजा खोल तो खोलो या दरवाजा अवश्य खोलो। चपरासी को बुलाओ, कॉल द प्यून। चपरासी को अवश्य बुलाओ, जरूर बुलाओ, तब हो जाएगा डू कॉल द प्यून। डू लगने से इम्परेटिव सेंटेंस में जोरदार सूचक शब्द हो जाता है। हेल्प द पुअर, हेल्प का हेल्प द पुअर, इसी इम्परेटिव का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। हेल्प वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस हम तीन तरह से बना सकते हैं। लेट बी से बनेगा, हम लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पुअर, फिर बी लिखेंगे, फिर हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड। बाई यू लिखो या मत लिखो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। उसके बाद दूसरी तरह से इसका पैसिव वॉइस हम शुड बी से भी बना सकते हैं। द पुअर शुड बी, हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, बाई यू। फिर इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ये एक प्रकार से सलाह है, तो यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू। अगर आदेश है तो यू आर ऑर्डर टू, निवेदन है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू। उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, हेल्प द पुअर ही लिख देंगे। इस तरह से हम इम्परेटिव का पैसिव वॉइस लेट बी से बना सकते हैं, शुड बी से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर टू एडवाइज टू से भी बना सकते हैं। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओपन द डोर, लेट बी से बनाते हैं, लेट उसके बाद द डोर, उसके बाद बी, फिर ओपन का तीसरा फॉर्म ओपन, बाई यू लिखो या मत लिखो। मान लीजिए शुड बी से बनाना है तो द डोर शुड बी ओपन का तीसरा फॉर्म ओपन। अब अगर इम्फेसाइज है, जोरदार सूचक शब्द है, तो हम अवश्य वाला डू वाला कैसे बनाएंगे, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, जहां बी लगाते थे जब अवश्य वाला रहेगा डू वाला तो लेट द डोर श्योरली, क्या लगा उसके लिए, श्योरली बी ओपेंड। अगर ओपन द डोर है तो लेट द डोर बी ओपेंड, और दरवाजा अवश्य खोलो, डू ओपन द डोर है तो बी के पहले श्योरली लग जाएगा। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज की या काइंडली की जगह पर हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर ओपन द डोर, ओपन द डोर लिख देंगे। लीव द रूम, हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले वर्ब है, इसका मतलब है इम्परेटिव है। लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट द रूम लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, लेट बी हो गया, लेट द रूम बी, उसके बाद लीव का तीसरा फॉर्म लेफ्ट, बाई यू लिखो या मत लिखो। अगर इसका निगेटिव है तो कैसे करेंगे, लेट उसके बाद द रूम, लेट द रूम, जहां बी लिखते थे नॉट बी लिखेंगे, नॉट बी लीव का तीसरा फॉर्म लेफ्ट, लेट द रूम नॉट बी लेफ्ट। बट कंपटीशन में ध्यान देना, लेट नॉट, लेट बी के पहले नॉट ना लगा करके लेट नॉट लिखेंगे तो ग्रामेटिकली ज़्यादा ट्रू, सही ट्रू है। नेवर टेल ए लाई, इसका हम लेट से भी बना सकते हैं और शुड बी से भी बना सकते हैं। तो आइए हम नेवर वाला शुड बी से बना के देखते हैं। ए लाई शुड
निगेटिव होता, डू नॉट होता तो शुड नॉट भी लिखते, नेवर है तो शुड नेवर भी लिखेंगे। एलाई शुड नेवर बी टोल्ड। कॉल हिम टू डू द वर्क, कॉल वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है, टू डू द वर्क वैसे ही उतर जाएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद हिम आएगा, हिम का ही मत बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, इस बात का बच्चों विशेष ध्यान देना, आजकल ये है बोर्ड एग्जाम में अधिकांश रूप से आता है। लेट हिम, लेट के बाद हिम के ही रूप में रहेगा, लेट ही नहीं होगा, लेट हिम। फिर बी लिखेंगे, काल का तीसरा फॉर्म कॉल्ड लिखेंगे, फिर टू द डू द वर्क उसी तरह उतार देंगे, टू डू द वर्क। डू इट लेट लिखेंगे, फिर इट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, डू का तीसरा फॉर्म डन बाय यू, लेट इट बी डन बाय यू। आइए ऊपर हम फिर से देखते हैं एक बात, डू ओपन द डोर, जब इम्फेसाइज रहेगा तो लेट द डोर श्योरली बी ओपन, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अगर इसको हम शुड बी से बनाए तो कैसे होगा, द डोर लिखेंगे और अगर ओपन द डोर होता तो शुड बी से बनाते, लेकिन अवश्य वाला है डू वाला तो हम मस्ट बी से बनाएंगे, द डोर मस्ट बी ओपेंड, द डोर मस्ट बी ओपेंड। डू इट का हो गया लेट इट बी डन बाय यू, और डू डू इट है तो हम लिखेंगे लेट फिर इट। अब डू डू वाला, एक डू का मतलब अवश्य है और एक डू इट माने करो, इसे अवश्य करो, जरूर करो, तो लेट इट Surely be done। अगर इसको हम should be से बनाए तो it अब अवश्य वाला है तो ये must be से बनेगा, it must be done, it must be done। Thank you dear students।